योंगसंग क्रिएचर नेटफ्लिक्स का लेटेस्ट ट्रेंडिंग के ड्रामा है एंड उसके सारे एपिसोड अभी नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो गए। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 5 रीजंस व्हाई यू शुड बी वॉचिंग दैट सीरीज। कंपेलिंग स्टोरी लाइन। ये सीरीज 1945 के एरा में सेट की गई है जहाँ पे कुछ यंग पीपल एक मिलिट्राइज हॉस्पिटल में दूसरे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एंटर करते हैं एंड देयर दे एनकाउंटर मॉन्स्टर्स बोर्न आउट ऑफ ह्यूमन ग्रीड एंड ऑल्सो सम मिलिट्री मैन, नॉट सम एक्चुअली ऑल मिलिट्री मैन। काफी यूनिक और इंट्रीगिंग प्लॉट है इसका। जानरा। बेसिकली ये शो बेस्ड है उस पॉइंट पे जब जापानीज लोग जोसन पे राज कर रहे थे। पुराने टाइम में कोरिया को जोसन के नाम से जाना जाता था। इसमें हिस्ट्री है, आपको मिस्ट्री देखने मिलेगी कि आखिर क्यों जोसन के लोगों को कैद करके रखा है। हॉरर है, थ्रिलर है, सस्पेंस है कि आगे क्या होगा। एंड अगर आपको मॉन्स्टर पसंद है तो गो फॉर इट। इसमें थोड़ी कॉमेडी एंड ह्यूमर भी है एंड अ लिटिल बिट रोमांस बिटवीन द टू लीड्स विदाउट एनी लवी-डवी सीन। कास्ट। सो पार्क सो जून एंड हान सो ही इस शो के लीड कैरेक्टर्स हैं। अगर आप के ड्रामा देखते हो तो आपको पता ही होगा कि कितने गुड एक्टर्स हैं एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम इनका कोलैबोरेशन ऑन स्क्रीन देखने वाले हैं। शो में पार्क सो जून इज चार्मिंग एज हेल एंड रियली क्लेवर। वो एक पॉन शॉप का ओनर होता है हु इज वेरी वेल्दी एंड नोन फॉर हिज कनेक्शन, जहाँ से वो किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। हान सो ही एक स्लूथ होती है जो कि अपनी माँ को ढूंढ रही होती है 10 साल से। सो स्टोरी लाइन ऐसी चलती है। फाइनली हम इनको स्क्रीन पे देखेंगे। दे हैव अ डायनामिक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। एक्शन सीरीज में कूट कूट कर भरा हुआ है क्योंकि लीड कैरेक्टर्स आर ऑलवेज एनकाउंटरिंग सम मिलिट्री मैन और मॉन्स्टर्स एंड कई बार ऐसे मोमेंट्स आएंगे वेर यू बी लाइक कि ओ माई गॉड ये तो फंस गया, नेक्स्ट में क्या होने वाला है। इट कीप्स यू ऑन योर एज, लाइक आपको देखने का होगा कि आगे क्या होने वाला है। ऑल्सो पार्क सो जून की विटी साइड इसमें देखने को मिलेगी, इज लाइक रियली चार्मिंग, जो मैंने पहले भी बताया। एंड ऑब्वियसली हान सो ही का एक्शन इज रियली गुड। ब्लड, वॉयलेंस, गन टू गन कॉम्बैट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, सब कुछ है इसमें। इट्स फुल्ली पावर पैक्ड, फुल ऑफ एक्शन। क्लिफ हैंगर। हर एपिसोड एक ऐसे पॉइंट पर एंड होता है कि हम सस्पेंस में रह जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। दैट्स वाई हमें नेक्स्ट एपिसोड देखने की क्रेविंग होने लगती है। इतनी ऑसम अगर स्टोरी लाइन, प्लॉट और कास्ट हो तो क्यों किसी का देखने का मन नहीं करेगा। मेरी तरफ से फुल पैसा वसूल शो है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आई वुड रेट इट 9 out of 10। अगर आपको मॉन्स्टर वाले शोज जैसे स्वीट होम, हेल बाउंड, स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद है तो यू विल डेफिनेटली लाइक दिस। इसकी स्टोरी उनके जैसी नहीं है बट बेटर है आई थिंक, आई डोंट नो। लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कॉमेंट सेक्शन कि ये शो देख के आपको क्या लगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर, लाइक एंड कॉमेंट एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब। And if you want the recipe of the Ferrero Rocher oat milk latte that I was drinking, you could check the description. So that's all. Bye.